हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से बिहार में बीजेपी और जो नीतीश प्रसाद है उनके बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में, कि 2014 से पहले उनके बीच में आपसी गठबंधन था, फिर उनकी आपस में लड़ाई हो गई, फिर अभी वापस गठबंधन वगैरह चल रहा है, तो वो सब सारी पॉलिटिकल बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो कोई भी काम का नहीं है एग्जाम के लिए, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये फिर पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान एक डीप स्टेट बनने जा रहा है, मतलब डीप स्टेट पहले से बना हुआ है और वहाँ पे सेम हालात अभी चल रहे हैं। तो वो पाकिस्तान का ऐसे दो तीन पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट वैसे इसमें यह है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, और जबकि आपको पता है इसे इंडिया की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में रात दिन का फर्क है। क्यों? जैसे इंडिया के अंदर पहले आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, फिर जो ही 2014 में कांग्रेस हारी तो फिर बीजेपी की सरकार बनी। तो उस दौरान हुआ क्या, कांग्रेस ने इजीली अपनी सरकार छोड़ दी कि हाँ भाई ठीक है हम हार गए अब आप सरकार बनाइए। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर सरकार हार जाती है तो वो हार नहीं मानती है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब इलेक्शन को दोबारा कंडक्ट करवाना, ऐसे कोई ना कोई हथकंडे वगैरह वहाँ पर यूज़ है वो किए जाते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि पाकिस्तान में ढंग से डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान है वो एक डीप स्टेट बना हुआ है। अब डीप स्टेट में क्या, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि डीप स्टेट का मतलब ये होता है कि वो स्टेट जिसके अंदर डेमोक्रेसी है वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी वगैरह हैं वो इंटरफेरेंस करती हैं हर काम में, मतलब हस्तक्षेप करती रहती हैं, अंगुली करती रहती हैं। इसकी वजह से जो जनता के द्वारा इलेक्ट पर्सन थे या बोल सकते हो कि जो पॉलिटिशियन है वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एजेंसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। जैसा कि हमने यूएसए के बारे में भी डिस्कस किया था कि यूएसए की भी जो एजेंसी वगैरह है वो ट्रंप वगैरह को ढंग से काम नहीं करने देती हैं। ट्रंप साहब चाहते थे कि भाई यूएस जो रसिया है उसके साथ रिलेशन इंप्रूव किया जाए, बट अभी तक वहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, वहाँ पे मिलिट्री है वो बार बार अपना हस्तक्षेप करती रहती है और वहाँ पे डेमोक्रेसी का नाम नाम का बचा हुआ है। तो उसके बारे में दो चार पॉइंट्स थे, तो हमने क्या हो रहा है कि जो बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये पंजाब के ड्रग इश्यू के बारे में है। दो तीन दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें डेथ पेनल्टी वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी, कि कैपिटल पनिशमेंट जैसी बातें आई थी कि अगर जो भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं एडिक्शन वगैरह हो गई है उनको एक्चुअली कैपिटल पनिशमेंट वगैरह दी जाए। तो राइटर उस चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दो चार पॉइंट्स काम के हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली क्लीन एनर्जी के लिए है, कि भाई जो खाने पीने जो खाना बनाने के दौरान जो एनर्जी यूज़ की जाती है, जैसे कि गोबर के उपले वगैरह हो गए या फिर और भी सारे बायोगैस वगैरह, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या एडवांटेज हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट की उज्ज्वला स्कीम वगैरह को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आया है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि देखो गवर्नमेंट है ना हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने जा रही है, एक नई बॉडी बनाने जा रही है। किसकी जगह है? यूजीसी की जगह है। अब बात ऐसी है कि राइटर का ये कहना है कि देखो भैया गवर्नमेंट बना तो रही है बट गवर्नमेंट क्या है टाइम बहुत कम ले रही है, मतलब इतना एजुकेशन के सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म आने जा रहा है और गवर्नमेंट उसे सडनली पूरा करना चाहती है, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा हो जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये इतना कुछ काम का नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देख लें क्लीन फ्यूल और वुमेन हेल्थ के बारे में, आप इस आर्टिकल को देखते हैं। एक सेकेंड, क्लीन फ्यूल और वुमेन हेल्थ को लेके इस आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट हैं। देखो इस आर्टिकल में बेसिकली पहले थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड में बताया गया है कि देखे जाए तो पहले खाने पीने के दौरान स्टार्टिंग में केरोसिन वगैरह का यूज़ होता था, फिर देखा जाए तो एलपीजी वगैरह भी गैस सामने आ गई हैं। तो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो लोग हैं वो फिर भी एलपीजी गैस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बायोगैस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरल गैस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज आप बोल सकते हो कि जैसे कि फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गए, कि डीजल की सॉरी केरोसिन वगैरह हो गया, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोयला वगैरह, इन्हीं से खाना बनाते हैं लकड़ी वगैरह से। क्यों ऐसा बनाते हैं? तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो ये जो डीजल जो सॉरी केरोसिन वगैरह हुआ या फिर जो और चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती मात्रा में उनको मिल जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट है वो एक्चुअली जो फार्मर्स वगैरह होते हैं जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं इनको केरोसिन पे सब्सिडी देती है, ताकि वो अपने खाने पीने के लिए उसकी एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सिक्योर कर सकें। अब दिक्कत क्या आ रही है, एलपीजी गैस वगैरह हुई या फिर नेचुरल गैस ले लो या फिर आप बायोगैस ले लो, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं उनको। क्यों कॉस्टली पड़ती हैं? देखो बायोगैस के लिए तो आपको पता है कि प्लांट वगैरह लगाना पड़ता है। अब प्लांट अगर लगाना है तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, तो वो फार्मर्स वगैरह किसान हैं वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से एलपीजी या बायोगैस उसका यूज़ नहीं हो पाता है। अब बात करें हम एलपीजी और नेचुरल गैस की, तो एलपीजी और नेचुरल गैस किसान इसलिए यूज़ नहीं कर पाते हैं, एक तो देखो उनके पास सिलेंडर है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, उनको सिलेंडर लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है एजेंसी के पास, मतलब वहाँ पर सिलेंडर वगैरह की डिलीवरी का बहुत बड़ा इश्यू रहता है।
इसके साथ ही अहम बात क्या है कि सिलेंडर महंगे पड़ते हैं उनको, तो इसलिए वो क्या है कि जो आप बोल सकते हो कि नेचुरल जो सोर्सेज हो गए जैसे कि लकड़ी वगैरह होगी, इन्हीं का यूज़ है बेसिकली करते हैं। अब राइटर यहाँ पे एक अपना नया नए डायमेंशन या अपना एक सजेशन यहाँ पे बताते हैं कि देखो गवर्नमेंट को ना लोगों का बिहेवियर चेंज करना होगा। जब तक गवर्नमेंट लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करेगी, गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाएगी यहाँ पे। क्योंकि देखो अगर केरोसिन वगैरह को यूज़ किया जाता है या फिर लकड़ी वगैरह को यूज़ किया जाता है तो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ और हमारा इवन इन्वायरमेंट दोनों ही चीज़ें इफेक्ट होती हैं। देखो अगर हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है तो मतलब हमें डबल नुकसान होने वाला है। क्योंकि इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा और ज़्यादा प्रदूषित होगा तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना है। क्योंकि हम ढंग से सांस वगैरह नहीं ले पाएंगे और हमें ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए राइटर बता रहे हैं कि देखो एनर्जी सिक्योरिटी है ना वो तो अहम है, बट गवर्नमेंट को जो ऑप्शन है अल्टरनेटिव वो प्रोवाइड करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसानों को कह रही है या बोल सकते हो कि रूरल एरिया में वुमेन को कह रही है कि भी आप लकड़ी वगैरह का यूज़ मत करो, गोबर के उपले वगैरह का, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर अल्टरनेटिव देना चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे LPG सिलेंडर है वगैरह वो वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करवाने चाहिए, सस्ती रेट में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोग उसका यूज़ करें। देखो अगर रूरल एरिया में गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह नहीं देखी, लोगों को चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाएगी, तब तक लोग उसका यूज़ करेंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल काफ़ी अहम हो जाता है। राइटर का बेसिकली मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट की भागीदारी काफ़ी अहम है इस सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट चाहती है या बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, अगर वो चाहती है कि वुमेन की हेल्थ को इनकी वुमेन की हेल्थ को है उसको ठीक किया जाए, इसके साथ ही क्लीन फ्यूल है उसको प्रमोट किया जाए, तो गवर्नमेंट को खुद को स्टेप उठाने होंगे। अगर जब तक गवर्नमेंट खुद स्टेप नहीं उठाएगी तब तक लोग हैं वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने होंगे। जैसे कि देखो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था काफ़ी बार प्लास्टिक बैन के बारे में, कि अगर गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन करना चाहती है ना तो गवर्नमेंट को प्लास्टिक बैन करने से पहले एक दूसरा स्टेप उठाना होगा। वो क्या करना होगा कि कोई अल्टरनेटिव लेके, कि जैसे कपड़े के बैग है वो काफ़ी सस्ते कर दे, या फिर कागज़ के बैग हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के लेके थोड़े स्ट्रॉन्ग, तो क्या होंगे लोग अपने आप पॉलीथीन को यूज बैन है वो पॉलीथीन का यूज़ है वो बंद कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट को पहले अल्टरनेटिव तैयार करना होगा कि लकड़ी वगैरह आपको नहीं जलानी है तो भाई इसके लिए आप उनको सस्ती मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करो ना। देखो कोई भी इंसान अगर दूसरी चीज़ का या ऑप्शन यूज़ कब करता है, जब उसको वो सस्ता पड़ता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को चीज़ सस्ती प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट को किसानों की इनकम बढ़ानी चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा काम होना चाहिए ना ताकि जिससे किसान जानबूझ के इस चीज़ को लेकर प्रमोट हो गए, हाँ यार हमें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अगर उनको महंगी पड़ेगी तो फिर वो खरीद नहीं पाएंगे, और अगर उनको सिलेंडर टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाएंगे तो फिर उनके लिए क्या मतलब हुआ। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो जो कुकिंग फ्यूल है उसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप उठाने हैं और मेनली बिहेवियर चेंज है वो करना होगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट टॉयलेट प्रोग्राम के लिए स्वच्छ भारत अभियान था तो उसमें टॉयलेट बनाने के लिए प्रमोट कर रही थी, बट राइटर ने कहा था पहले भी कि देखो जब तक गवर्नमेंट लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करेगी, लोगों के अंदर से जब तक ये डिमांड नहीं करेगी हाँ यार हमें टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, अगर हम टॉयलेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उससे हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं और हमारी स्वस्थता है वो भी कहीं ना कहीं नुकसान में या स्वस्थता वो बन नहीं पा रही है। तो इसलिए लोगों का बिहेवियर चेंज करना काफ़ी अहम हो जाता है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया होशियारपुर का कि किस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, कम्युनिटी के द्वारा सोल्यूशन है वो लेके आ गया। होशियारपुर पंजाब में है और वहाँ का एग्जांपल ये दिया गया कि वहाँ पे एक 100 क्यूबिक मीटर का एक बायोगैस प्लांट है वो लगाया गया था। उस बायोगैस प्लांट से हो क्या रहा था कि आसपास के जो घर हैं वहाँ पे एक्चुअली बायोगैस है वो लोगों को सप्लाई है वो की जा रही है। तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो कितना अच्छा स्टेप उठा गया है, इससे क्या होगा, एक तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी सिक्योर हो जाएगी, इसके साथ ही गवर्नमेंट को क्या होगा कि गवर्नमेंट का बर्डन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बायोगैस के लिए गवर्नमेंट को केवल एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, इसके बाद बायोगैस क्रिएट करने के लिए जो नेचुरल चीज़ें होती हैं फसल के वेस्ट वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से इजिली इसको प्रोड्यूस है वो कर लिया जाता है और इसका कार्बन एमिशन भी काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप भी उठाए हैं, गवर्नमेंट के राइटर कुछ स्टेप भी बता रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी तो गवर्नमेंट ने इसके तहत लोगों को फ्री में सिलेंडर वगैरह या गैस कनेक्शन से वो प्रोवाइड करवाए। और अभी इसी तर्ज पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस साल के बजट में जो LPG गैस कनेक्शन के लिए जो पैसा दिया जा रहा था फंड था उसको और बढ़ा दिया ताकि लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो राइटर ये तो ये भी कह रहे हैं कि देखो एक साइड गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं कोई स्टेप नहीं उठा रही है, बट गवर्नमेंट को अगर इतने बड़े देश में कुछ बड़े रिफॉर्म लेके आने हैं तो गवर्नमेंट को बड़े लार्ज स्केल पे काम करना होगा। ऐसे छोटे छोटे इस लेवल पे काम करने से सोल्यूशन नहीं आने वाला, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिफॉर्म बहुत बड़े लेवल पे लेके आने होंगे, लार्ज स्केल पे काम है वो यहाँ पे करना होगा। गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी जो सिलेंडर वगैरह दिए जा रहे हैं उनको गवर्नमेंट को बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही जो रूरल एरिया में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे LPG कनेक्शन वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी के तौर पे बायोगैस प्लांट है वो यूज़ करने चाहिए ताकि किसानों को या जो रूरल एरिया में जो वुमेन है उनकी हेल्थ को सिक्योर किया जा सके।
क्योंकि आप जानते हो कि रूरल एरिया में जो मैक्सिमली खाना बनाने का काम है वो वुमेन ही करती हैं। इवन अर्बन एरिया का ले लो, चाहे आप रूरल का, दोनों में ही एग्जाम्पल इसका ले सकते हो। तो अगर खाना बनाने के लिए गैस का यूज़ नहीं किया जा रहा है या फिर चूल्हे वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, मतलब लकड़ी वगैरह का, तो उससे वुमेन की हेल्थ को काफ़ी कुछ नुकसान होता है। तो वो राइट बात यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। इसके बाद में लास्ट में राइटर वे फोर्ड में ये कह रहे हैं कि देखो, हमें बिहेवियर चेंज है लोगों का, वो करना होगा, और गवर्नमेंट को इसलिए शुरुआत है वो करनी होगी। गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना होगा, गवर्नमेंट को एक कदम आगे चलना होगा, तभी गवर्नमेंट लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट कर सकती है। गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव है वो रखना होगा। इसके साथ ही बात की जा रही है बजट की और ऑप्शन की। गवर्नमेंट को बजट है वो तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। रूरल एरिया में जो लोग काफ़ी गरीब हैं, जिनके पास सिलेंडर वगैरह के लिए अफोर्डेबल पैसे नहीं है, उनको गवर्नमेंट को सब्सिडी वगैरह दे के, सिलेंडर वगैरह दे के, या उनको खाना बनाने के लिए उचित एनर्जी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और जब तक ऑप्शन नहीं होगा उनके पास, तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको लकड़ी की बजाय सस्ती मात्रा में एनर्जी फ्यूल है वो प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी आजीविका को ढंग से आगे कंटिन्यू कर सकें। तो काफ़ी सारे इस आर्टिकल में पॉइंट थे, हमने ऑलमोस्ट सारी डायमेंशन है वो यहाँ पर कवर है कर ली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पंजाब के बारे में, कि भाई पंजाब गवर्नमेंट ने ड्रग्स को लेकर काफ़ी सारे सोल्यूशन वो लाने की बात कही थी। जब अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी तो उस टाइम पे बहुत बातें कही थी कि हम 1 महीने में ये करेंगे वो करेंगे, तो वो तो हो गए यहाँ पे पॉलिटिकल बातें, हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। अब बात ये करते हैं आर्टिकल में, थोड़ा तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि देखो, पंजाब में देखा जाए तो लगभग 2/3 जो यूथ है वो अभी भी ड्रग्स से मतलब पीड़ित था, बोल सकते हो कि ड्रग्स के एडिक्शन उनको लगी हुई है। फिर अभी राइटर यहाँ पे एक चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यह था कि पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान करेंगे, ताकि जो भी लोग ड्रग्स वगैरह का एडिक्शन है या ड्रग्स वगैरह को सेवन कर रहे हैं या फिर मतलब बेचते हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, चाहे वो पहली बार सेल कर रहे हो या फिर से आदतन अपराधी वगैरह हो। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ये देखो काफ़ी गलत स्टेप है, ये तो वो बात हो गई कि आप उस इंसान को मार रहे हो, हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना है। यहाँ पे भी बात आती है कि बिहेवियर चेंज, हमें रिफॉर्म लेके आने होंगे, हमें उन रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा कि लोग इसका ड्रग्स का सेवन क्यों कर रहे हैं, लोग ड्रग्स क्यों बेच रहे हैं। देखो ड्रग्स बेच क्यों रहे हैं, या तो हो सकता है कि वो बेरोजगार हो, कोई ना कुछ तो उनको रीजन होंगे ना, तो हमें उन रीजन को देखना होगा, लोग ड्रग्स का सेवन क्यों कर रहे हैं, या तो कोई रीजन से फ्रस्ट्रेटेड होंगे या फिर लाइफ में कुछ इश्यूज वगैरह होंगे, तो हमें उन रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा, इसके बाद ही सोल्यूशन आ सकता है। केवल कैपिटल पनिशमेंट देने से सॉल्यूशंस नहीं आने वाला है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि वार ऑन ड्रग्स की जो बात की थी गवर्नमेंट ने, उस पर प्रॉपर ढंग से भी काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट देखो भी एक अच्छा स्टेप लिया था, गवर्नमेंट ने बात की थी पंजाब गवर्नमेंट ने कि हम जो स्टेट के एम्प्लॉय हैं उनका एक्चुअली ड्रग टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाएंगे, जिससे पता चलेगा कि उनके बीच में एडिक्शन वगैरह का क्या सीन है। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो एक अच्छा स्टेप है, कोई बात बुरी बात नहीं है इसमें कि आप जो स्टेट के एम्प्लॉय हैं उनका टेस्ट वगैरह करो, बट इसी के साथ जो और बाकी लोग भी बचते हैं स्टेट के, जो आप और जो पॉपुलेशन है उसका सबका भी आपको ड्रग टेस्ट है वो करवाना होगा जनता का, और इसी के साथ आपको और भी स्टेप उठाने होंगे। आपको रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहली बात, यहाँ पे राइटर ये मेन पॉइंट पे इस पर फोकस कर रहे हैं कि देखो जब तक हमें रीजन ही नहीं पता चलेगा कि लोग ड्रग्स के सेवन क्यों कर रहे हैं, क्या उसके लिए नुकसान हो रहे हैं, उन चीज़ों को हमें पहले मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जब तक हम सजा देने की बात कहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना होगा। जैसे आप ये ले लो एग्जांपल कि गवर्नमेंट कह देगी भाई कल से अगर टॉयलेट यूज़ नहीं किया तो हम आपको सजा देंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है? गवर्नमेंट क्या सबके घर जाकर थोड़ी बैठेगी, कैमरा लगा के थोड़ी देखेगी ये चीज़? तो मतलब सजा देने से कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला, हमें लोगों का बिहेवियर वो यहाँ पे चेंज करना है। इसके बाद में कुछ पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाए हैं। देखो एक तो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का स्टेप ये बताया जा रहा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि जो समुदाय है उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी अहम होता है। अगर कोई भी इंसान ड्रग्स के लग गई है उसको, तो उसको कम्युनिटी के साथ रखना चाहिए, कम्युनिटी में उसको मिल साथ रखा जाएगा, तो कम्युनिटी उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको एक तरीके से ड्रग्स की लत है उससे निजात है उसको मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड सर्किल है वो काफ़ी अहम होता है। देखो जब भी कोई इंसान अगर ड्रग्स वगैरह का एडिक्शन होता है, सेवन करता है, तो उसके फ्रेंड सर्किल वगैरह को या किसी ना किसी को तो वहाँ से पता चल जाता है। तो उस दौरान अगर फ्रेंड सर्किल काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है तो काफ़ी हद तक अच्छे बेनिफिट रिजल्ट हैं वो मिल सकते हैं। इसके बाद में बात की जा रही है गोल्डन क्रिसेंट की। देखो गोल्डन क्रिसेंट है उसमें बेसिकली 3 कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि काफ़ी मात्रा में FM प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपको बताऊँ, ये मान लो इंडिया का ऊपर का हिस्से का थोड़ा सा मैप होगा, यहाँ से ये ले लो ऐसे ऐसे। अब बात यहाँ पे आपको बता कि जस्ट हमारे पास में यहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर इधर थोड़ा सा आपको बताइए अफगानिस्तान है, और ये यहाँ पे फिर आता है इधर ईरान। तो एक तरीके से ये जो
बनी है ना ये साइज, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। और यहाँ पे तीन कंट्रीज आती हैं इसमें बेसिकली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। इनसे क्या होता है कि इंडिया में अफीम वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, मतलब जो ड्रग्स वगैरह हैं वो, हेरोइन वगैरह, वो ज़्यादातर इसी एरिया से आते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ जो मैक्सिमम हिस्सा है वो पंजाब का ऑलमोस्ट हिस्सा कवर करता है, लगभग 500 किलोमीटर के समथिंग। तो राइटर बता रहे हैं कि देखो इस वाले एरिया से पंजाब में ड्रग्स आती हैं और इससे काफ़ी है, जो ज़्यादा तो नुकसान है वो पंजाब की यूथ को हो रहा है। और आज अगर बात की जाए तो अकेला नुकसान पंजाब को नहीं है, पंजाब के साथ साथ और स्टेट को या पूरे देश के लिए खतरा हुआ बनते हुए जा रहा है। तो गोल्डन क्रिसेंट के बारे में ध्यान रखना कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीन कंट्रीज आती हैं जहाँ पे अफीम वगैरह या हेरोइन वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, और फिर ये इंडिया के थ्रू इंडिया में सप्लाई है वो की जाती है। फिर यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि देखो जो गवर्नमेंट है ना, से बात करो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को स्टेप उठाने होंगे। यहाँ पे जो मुद्दा है पंजाब का वो केवल स्टेट का मुद्दा नहीं है, क्योंकि पंजाब स्टेट है बट देश भी, देश का ही तो एक हिस्सा है ना। तो हमें देश के ऊपर फोकस करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेप उठानेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है ना, अगर ड्रग्स का देखो माहौल बढ़ता है तो ऐसा थोड़ी कि पंजाब में उसका नुकसान होगा। पंजाब के नियर बाई स्टेट होंगे, राजस्थान होगा, हरियाणा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पर भी इश्यूज़ बढ़ेंगे। तो मतलब हमें करना क्या होगा, हमें सब स्टेट को मिलकर, या बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ आना होगा और स्टेट को भी साथ आना होगा। जिम्मेदारी केवल अकेले स्टेट की नहीं है कि सिर्फ आपको ही करना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेप उठा रही है तो अच्छी बात है ना कि हमारे ही देश के लोगों का भला यहाँ पे हो रहा है। इसके अपने राइटर बता रहे हैं कि अगर देखो गवर्नमेंट स्टेप नहीं उठा रही है प्रॉपर ढंग से तो इसका नुकसान क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच सकता है। कैसे, देखो नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान ऐसे पहुंच सकता है, किसी भी इंसान को अगर ड्रग्स की एडिक्शन हो गई है, अब आपको पता है कि अगर उसे एडिक्शन हो जाती है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है ड्रग्स के सेवन के लिए। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हो सकता है कि उसको जो टेररिस्ट वगैरह है उसको पैसे दे के इंडिया के कुछ जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं उनका मतलब पता चल जाए, और फिर वो कहीं ना कहीं इंडिया में बम धमाका वगैरह कुछ भी इस तरीके का नुकसान है वो करवा सकते हैं। तो मतलब हमारी सिक्योरिटी है उसको खतरा हो सकता है। इसके बाद में दूसरी बात क्या है, हमारी सोसाइटी का माहौल ख़राब हो सकता है, लोगों के अंदर एक तरह से अराजकता फैल सकती है, सोसाइटी के अंदर दंगे वगैरह होना शुरू हो जाएंगे, कम्युनलिज्म को भी उससे प्रमोट किया जा सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बाहरी कंट्रीज़ हैं वो इसका मिसयूज़ उठा, आप हो सकते हो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं और उससे हमारे देश की सोवरेनिटी या हमारे देश की इंटीग्रिटी है उसको नुकसान हो सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं आर्टिकल के जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बनाने जा रही है, इसके लिए ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया है और उसको भी पब्लिक डोमेन में रखा था 10 दिन के लिए कि ताकि लोगों से रिव्यू वगैरह लिए जा सकें। तो राइटर का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो अभी 10 दिन का HRD मिनिस्टर ने टाइम दिया था लोगों को कि भाई आप अपने सजेशन दो, वो बहुत कम टाइम है, क्योंकि जो बात की जा रही है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक्चुअली UGC को रिप्लेस करेगा। और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, तो अगर देखा जाए तो हमारी आज़ादी के बाद इस तरीके का रिफॉर्म बहुत बड़ा आ रहा है। जिस तरीके से GST का रिफॉर्म आया था उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म है यह आ रहा है, क्योंकि कंप्लीट की कंप्लीट बॉडी यहाँ पे बदली जा रही है, UGC की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। मतलब क्या है कि राइटर का कहना यहाँ पे ये है कि देखो जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रखा है लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में 10 दिन के लिए, वो टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 4-5 महीने होने चाहिए था ताकि लोग ढंग से सोच समझ के निर्णय लेते और गवर्नमेंट को अपने, आप बोल सकते हो कि रिव्यू देते कि भाई आपको ऐसे ऐसे वगैरह करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 दिन का टाइम दिया, तो 10 दिन में तो लोगों को पता ही नहीं चला, दे लोगों को तो पता ही नहीं था। देखो हम लोग तो क्या है UPSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी करें तो हमें तो पता चल जाएगा, पर बाकी आप बोल सकते हो किसी देश के अन्य कोनों में या और लोगों को अगर आप पूछोगे कि गवर्नमेंट क्या कुछ किया तो लोगों को पता ही नहीं है। तो कम से कम गवर्नमेंट को पहले लोगों को अवेयर तो करना चाहिए ना, 10 दिन में तो हमारे देश में कोई न्यूज़ फैलती नहीं है इधर से उधर। तो सबसे पहली बात है कि लोगों को गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट की भाई क्या क्या चाहती है, उसके बाद लोग अपने सजेशन देंगे ना कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कम टाइम पीरियड यहाँ पे दिया है। राइटर कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके से GST में जल्दबाजी की गई थी तो उससे हमें काफ़ी कुछ दिक्कत आई, हमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ रेवेन्यू वगैरह का, उसी तरीके से अगर एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाने हैं तो हमें पहले बहुत सोच समझ के आगे डिसीजन लेना होगा। अगर हम जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो हमारे देश के लिए काफ़ी महंगा साबित वो हो सकता है। बात यहाँ पे फिर यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि देखो यूनिवर्सिटी के पास जो पावर है ना वो पहले ही बहुत कम है, हमें यूनिवर्सिटी वगैरह को पावर है वो देनी होगी, ऑटोनॉमी वगैरह है वो देनी होगी। अभी देखा जाए तो उनके पास ऑटोनॉमी बहुत कम है यूनिवर्सिटी वगैरह के पास, क्योंकि सारा काम UGC ये भी कंट्रोल है वो करता है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो राजनीति को दूर रखना होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है, जब तक हम राजनीति को एजुकेशन से या किसी भी सेक्टर से दूर नहीं रखेंगे तब तक उस वाले मामले में ढंग से काम नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे राजनीति आ जाएगी वहाँ पे आपको पता है कि नेतागिरी होने लगी तो फिर ऑब्वियसली उसमें भेदभाव होना या डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट को ज़्यादा मान्यता मतलब बिना स्टैंडर्ड की मान्यता मिल जाएगी, किसी गाइडलाइन वगैरह को फॉलो नहीं किया जाएगा।
इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो जो एडवाइजरी काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में एडवाइजरी काउंसिल है ना, उसमें पॉलिटिकली हस्तक्षेप डायरेक्टली बहुत ज़्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट इसकी चीज़ को दूर नहीं करेगी तो आपको पता है कि नेता वगैरह है वो अपने पर्सनल हितों को यहाँ पे सर्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी गलत हो जाएगा। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन जो कमीशन है ना, इसकी पावर भी बहुत कम है, इसको भी इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। अगर गवर्नमेंट ये नई बॉडी बना रही है एजुकेशन सेक्टर के लिए, तो इसको भी ऑटोनॉमी ज़्यादा देनी चाहिए। यूजीसी के पास जितनी ऑटोनॉमी है, लगभग उतनी ऑटोनॉमी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे तभी तो कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा ना। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो जो ओवर रेगुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना होगा, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मनमर्जी है वो भी कम करनी होगी, क्योंकि अभी देखो जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ड्राफ्ट है, इसके फ्रेमवर्क में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमर्जी रही तो उससे नुकसान ही होने वाला है, कि कहीं ना कहीं स्टेट है वो मतलब उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि सभी स्टेट को हम एक लकड़ी से नहीं आ सकते। देखो हर स्टेट की आपको पता है कि लैंग्वेज का अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, तो वहाँ पर एजुकेशन उन्हीं के लैंग्वेज और उन्हीं के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए दी जाएगी। ऐसा थोड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर थोप कि नहीं भी आपको तो ऐसे ही पढ़ना होगा, कि वो कहीं ना कहीं काफी गलत होगा। और स्टेट का रोल इस जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें स्टेट का रोल बहुत कम है, इससे स्टेटों में बिल्कुल कुछ नहीं होंगे और स्टेट एजुकेशन को ढंग से प्रमोट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो क्वालिटी वाली एजुकेशन है ना, उस पर हमें फोकस करना है। और लास्ट में राइटर एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो ये है कि देखो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में रिफॉर्म करने की बात कर रही है, बहुत बढ़िया बात है, कोई कमी नहीं है इस चीज़ में, बट हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमें ग्राउंड लेवल पे काम साथ साथ करना होगा, और उससे डबल स्पीड में हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। देखो हायर एजुकेशन में बच्चे जाएंगे कौन? जो बच्चे पहली से लेकर 12th तक पढ़ेंगे वही तो फिर आगे जाएंगे ना हायर एजुकेशन के लिए। अगर उनका बेस या बोल सकते हो नींव भी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो फिर हायर एजुकेशन में उनको अच्छी क्वालिटी कहाँ से दोगे आप? तो मतलब राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि पहले हमें लोअर एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें रिफॉर्म लेके आने होंगे। जब तक हम लोअर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, तब तक हायर एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म का कोई फायदा नहीं है। जब हम ग्राउंड लेवल पर काम कर लेंगे, हमें ग्राउंड लेवल पर अच्छे लोगों को बेसिक शिक्षा है, जो बुनियादी शिक्षा है वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो फिर हायर लेवल पर हमें दिक्कत आएगी ही नहीं इतनी। तो सबसे पहले राइटर यहाँ पे ये फिर लास्ट में बता रहे हैं कि देखो हमें और ज़्यादा इस चीज़ पर डिस्कशन की जरूरत है, गवर्नमेंट को इस पर और ज़्यादा डिबेट करना चाहिए, और जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।